हेलो, मैं जसबीर अपने चैनल पे आप सब बहनों का स्वागत करती हूँ। आज हम आपके लिए जे बहुत ही सुंदर सी बूटी लेके आए हैं, जे न्यू बॉर्न बेबी के लिए है। सुंदर सा हमने बूट बनाए हैं और इसको बनाना बहुत ही आसान है। जहाँ हमने जे देखिए बुनकर बटन भी लगाया है, ऐसे बंद होता है। दूसरे पीस को भी हमने ऐसे ही बनाया है, एक बटन इधर आएगा होल में और एक दूसरी साइड, तो दोनों बनकर बहुत सुंदर लगे हैं। न्यू बॉर्न बेबी के लिए हैं। 30 फंदों से हमने स्टार्ट किए हैं। वूलन हमारे पास वर्धमान की बेबी वूल है, उसी से हमने बनाए हैं। नीचे से स्टार्ट किए हैं और बहुत आसानी से बन जाते हैं। इसमें 20-30 ग्राम ऊन लगती है, उसी से बन जाएंगे। थोड़ी सी बची हुई ऊन से भी बन जाते हैं। तो अगर आप इस बूट को बनाना चाहते हैं तो हमारे साथ देखिए कि हम इसको कैसे बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे साथ साथ जैसे हम बुनते जाएंगे वैसे ही बनाते जाएंगे तो आपको बहुत जल्दी बनाने आ जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, इसको बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम बेबी वूल लेंगे, बिल्कुल सिंपल वाली, जो बच्चों के स्वेटर बनते हैं जिस वूल से, वर्धमान की, उसी से हम इस बूट को बनाएंगे। इसके लिए हम फ्रेंड 30 फंदे डालेंगे। जे हमारे पास सिंपल जो ऊन है ना, इसको हम सिंपल पीस से ही फंदे डाल लेंगे, बिल्कुल सिंपल। हमने ज़्यादा फंदे डबल करके नहीं डालने हैं, जितनी हमें वूल चाहिए 30 फंदे डालने हैं, तो इतनी बहुत है। तो सिंपल फंदे डालेंगे ऐसे, क्योंकि हमने नीचे सिलना है, सिलाई के लिए हमें सिंपल फंदे डालने होते हैं। तो ऐसे फंदे डालकर हम 30 फंदे डालते हैं। ये देखिए फ्रेंड, हमने 30 फंदे डाल लिए हैं। 30 फंदे डालने के बाद हम अब इसको बुनना स्टार्ट करेंगे। तो हम एक सीधा फंदा बुनेंगे, फिर इस जब हम एक फंदा बुनेंगे एक और फंदा बुनेंगे, तो हमने कितने बुने, दो। अब हम एक फंदा बढ़ाएंगे ऐसे उंगली से, ऐसे एक फंदा हमने बढ़ा लिया और बाकी हम हाफ तक 13 फंदे और बुनेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह और 13। 13 फंदे हमने और बुने हैं। जी हमारे पास जो फंदे थे 15 इधर रहने चाहिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15। तो जहाँ पर हमारा हाफ है, हाफ पे हम एक मार्क लगा देंगे। जी हमारा हाफ है, तो हमने क्या करना है, इस फंदे को अभी नहीं बुनना है। हमने दो फंदे बुने थे, एक फंदा हमने बढ़ा लिया, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12 फंदे हमने बुने हैं। अब हम जो हमारा हाफ है दोनों तरफ का, इधर भी इधर भी, उस हाफ से पहले एक फंदा पहले हम फंदा बढ़ाएंगे। तो हमने फंदा बढ़ा लिया ऐसे, ऐसे हम फंदा बढ़ा लेंगे, बढ़ा लिया। एक फंदा हम बुनेंगे जो ए बीच वाला है जी, उसके बाद हम मार्क ले लेंगे इधर। जे 15 फंदे हैं, इसमें हम एक फंदा बुनेंगे, एक फंदा हम बढ़ाएंगे ऐसे, एक फंदा बढ़ा लिया। अब बाकी के फंदे हम पूरे बुनेंगे, 12 फंदे, जहाँ तक।
तो ये देखिए हमने 12 फंदे और बुन ले हैं, क्योंकि एक फंदा हमने बुना था, एक बढ़ाया था, तो बाकी 12 थे, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। अब दो फंदे हमारे लास्ट में बचे हैं, जहां आकर हम एक फंदा और बढ़ाएंगे, एक फंदा दो से पहले, ऐसे हर बार हम दो से पहले फंदा बढ़ाएंगे, तो दो फंदे सिंपल बुनेंगे। हम सीधा सीधा बुनते हुए पूरा बूट जो है सीधा सीधा बुनते हुए बनाएंगे। अब हमारी रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड पे भी हम इस फंदे को चाहे बुनिए चाहे उतारिए, ये आप पे डिपेंड करता है। तो हम सीधे सीधी सिलाई अब बनाएंगे पूरी, इसमें कोई फंदा बढ़ाना नहीं है और कोई भी कम नहीं करना है। ये देखिए पूरी सिलाई हम ऐसे ही बनाएंगे। ये हमारा हाफ है, हम जो मार्क लगाया है इसको इस साइड ले आएंगे, दूसरी तरफ ले आएंगे, ऐसे यहीं रखेंगे हाफ में और बुनते जाएंगे। ये मार्क हमने वूलन से ही बनाया है, आप सेफ्टी पिन छोटी आती है वो ले सकते हैं, बड़ी सेफ्टी पिन भी लगा सकते हैं। तो ऐसे आपने पूरी सीधी सिलाई बनानी। ये देखिए अब हम फिर राइट साइड में हैं, तो राइट साइड में हमने क्या करना है, एक फंदा सीधा उतारना है, एक फंदा बुनना है, दो फंदे, अब फिर हमने फंदा बढ़ाना है हर सीधी सिलाई में, जहाँ पे हम फंदा बढ़ाते जाएंगे बाकी फंदे हम जहाँ तक ऐसे ही सिंपल बुनेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा ये हाफ है, तो हाफ से जो एक फंदा पहले है उससे पहले ही हमने एक फंदा बढ़ाना है, हर बार ऐसे बढ़ाया फिर इस फंदे को बुन लिया, एक फंदा बुन लिया, फिर मार्क हम ले आएंगे इधर ले आए, आगे हम एक फंदा फिर बुनेंगे, एक फंदा हम फिर बढ़ाएंगे, जहाँ पे बढ़ा लिया बाकी फंदे हम ऐसे ही बुनेंगे ऐसे। ये देखिए हम लास्ट में आ गए हैं, दो फंदे छोड़कर हम फिर एक फंदा बढ़ाएंगे, बढ़ा लिया, अब हम दो फंदे बुन लेंगे। ऐसे रॉन्ग साइड हम सीधी बनाएंगे टोटल ऐसे, इसमें कोई बढ़ाना नहीं है कोई कम नहीं करना है, पूरी सीधी बनाएं। ये हमारी राइट साइड है, तो हम ऐसे ही दो फंदे छोड़कर एक फंदा बढ़ाएंगे, फिर जहाँ पे एक एक फंदा बढ़ाएंगे और जहाँ पे, इसको हम रिपीट करेंगे 10 सिलाई, हमारी 4 सिलाई बन गई है, 6 सिलाई और बनाकर हम फंदे बढ़ाएंगे। ये देखिए फ्रेंड हमने 5 उल्टी जो लाइनें दिखती हैं वो बनाई हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो हमारी 10 सिलाइयाँ हो गई हैं। 10 सिलाइयों के बाद हमारे फंदे 50 फंदे हो गए हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 और 1, 25। 25 फंदे इधर हैं, 25 फंदे इधर हैं, तो हमारे हो गए 50 फंदे। 50 फंदे बनाने के बाद, क्योंकि हमारे 5 फंदे जहाँ बड़े हैं, 5 फंदे जहाँ बड़े हैं, 5 जहाँ बड़े हैं और 5 जहाँ, 5, 5, 5 और 5, 20 फंदे बड़े हैं, 30 फंदे डाले हैं, तो 50 फंदे हो गए। ये हमारी 10 सिलाई है, अब हम 11वीं सिलाई में हैं, जो सिलाई हम बिल्कुल सीधी ही बुनेंगे ऐसे, बिल्कुल सीधी, इसमें कुछ नहीं करना है, पूरी सिलाई हम सीधी ही बनाएंगे। ये हमारी 11वीं सिलाई है, 11वीं सिलाई हम पूरी की पूरी
कंप्लीट करेंगे सीधी बुन के। अब हम मार्क को, जो हम मार्क लगाया था उसको हटा देंगे और पूरा हम सीधा बुन लेंगे 50 फंदे। तो हमारी शेप थोड़ी सी बननी शुरू हो गई है। तो हम पूरी सिलाई सीधी बनाएंगे। हमने पूरी सिलाई सीधी बनाई है सीधी तरफ से, 11वीं सिलाई। अब हमारी 12वीं सिलाई है 12 और रॉन्ग साइड है। तो रॉन्ग साइड पे हमने क्या करना है, एक फंदा सीधा उतार लेना है, मतलब एक फंदा हम बुनना है रॉन्ग साइड है तो हम उल्टा ही बुनेंगे। उसके बाद हम जाली डालेंगे, ऐसे जाली डाल के दो का एक करेंगे। फिर हम जाली डालेंगे दो का एक करेंगे, फिर जाली डालेंगे दो का एक करेंगे। पूरी सिलाई हमने ऐसे बनाना है, जाली डाली दो का एक किया, ऐसे जाली डाली दो का एक किया, जाली डाली दो का एक किया। तो हम पूरी सिलाई ऐसे ही फिनिश, ये लास्ट में आए हैं, जाली डाल दी हमने, जाली डाली और दो का एक कर दिया, ये लास्ट में आकर होता है। तो हमारी ये 12वीं सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम राइट साइड में हैं और हम 13 सिलाई बुनेंगे, 13वीं सिलाई हम बिल्कुल सीधी बुनेंगे ऐसे। जो फंदे हमने जाली वाले हैं वो भी बुनेंगे और दूसरे भी बुनेंगे ऐसे, जाली बनेगी तो हम सीधा ऐसे बुन देंगे। ये देखिए ऐसे बुनेंगे हम पूरी सिलाई, 13वीं सिलाई है। अब हमारी रॉन्ग साइड है और 14वीं सिलाई है, 14वीं सिलाई हम पूरी उल्टी ही बुनेंगे। पूरी सिलाई जहाँ तक उल्टी बुनेंगे। ये देखिए हमने 14 सिलाइयाँ बना ली है और हमारा डिज़ाइन कुछ जूँ आया है। ये अब हमारा पैर बनना शुरू हो गया है और ये जाली बन गई है। अब हमारी 15वीं सिलाई है 15 सिलाई में हम क्या करेंगे, जो हमने जहाँ जाली डाली थी ध्यान से देखना, और इसके हम ये एक एक पीस उठाएंगे, एक एक ऐसे, और जे वाले इनको हम इसके साथ जोड़ेंगे। तो हम इसका जे वाला पीस उठाएंगे और दो का एक करेंगे, दो का एक किया। फिर हम जे वाला पीस उठाएंगे, जे वाला जो जाली के नीचे है, और दोनों को हम एक करेंगे सीधा ऐसे। फिर हम आगे का पीस उठाएंगे, जे वाला, इसको सिलाई पे ले आएंगे और दोनों का एक करेंगे। फिर आगे का पीस उठाएंगे, जे वाला, ऐसे उठाएंगे जे, फिर जे जो ऊपर वाले हैं, तो हम जे वाला पीस उठाएंगे और इधर रखेंगे इस सिलाई में, और दो का एक करेंगे ऐसे आगे। फिर इसके नीचे हमें दिख रहा है, हम जे वाला पीस उठाएंगे साथ साथ में, जो उल्टी लाइन बनती है वो पीस उठाते जाएंगे और दो का एक करते जाएंगे ऐसे। फिर इसके जो जाली बनी है, इसके नीचे जो जाली दिखती है, ये जाली वाला पीस है, इसके नीचे जो जाली दिख रही है ये पीस, इसी को उठाएंगे और दोनों को एक करेंगे। इधर डाला,
दोनों का एक लिया। फिर जे सीधा पीस दिख रहा है और जहाँ पर भी सीधा दिख रहा है जे वाला, इसको जोड़ जोड़ के हम उठाते जाएंगे, दो का एक करते जाएंगे। फिर जे जाली दिख रही है, जे जाली वाला पीस है, फंदा है, और जाली वाला फंदा ही हम उठाएंगे नीचे से, जे वाला। ऐसे हमने दोनों को जोड़कर एक करना है तो हमारा ये डिज़ाइन बनता जाएगा। हमने एक और बूट बुना है, उसका पीस हम आपको दिखाते हैं। जे देखिए, जे चीज़ बनकर आएगी। जी हमने उठा के सिला है ये, तो ये ऐसे आया है पीस, ऐसा हमारा बनेगा। एक बार और बता देते हैं, ये सीधी फली है इसको, और नीचे जो इसके पीस है सीधा जे वाला, इसके इसको उठा लेंगे, इधर रखेंगे, दो का एक करेंगे। फिर ये जाली वाला फंदा है और जाली वाला फंदा ही हम नीचे से उठाएंगे, जहाँ जाली बनाई थी, तो दो का एक करेंगे। तो हम पूरी सिलाई ऐसे ही बुनेंगे। ये देखिए, हमने पूरा टोटल बुन लिया है, अब हम लास्ट तक बुन लिया है। अब हम क्या करेंगे, 16 सिलाई है हमारी, तो 16 सिलाई हम जो रॉन्ग साइड है, एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, हाँ हम एक फंदा उल्टा बुनेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर उल्टा बुनेंगे, फिर सीधा बुनेंगे, फिर उल्टा बुनेंगे। पूरी सिलाई हम 16 उल्टी सिलाई, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, ऐसे पूरी सिलाई बनाएंगे, उल्टा सीधा उल्टा पूरी सिलाई बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमने उल्टा सीधा 16 सिलाई बनाई है। अब राइट साइड है और हमारी 17वीं सिलाई है। हम 17, 18, 19, 20, 21 हाँ 5 सिलाइयाँ ऐसे ही बनाएंगे, सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा, सीधे पे सीधा, जैसे बॉर्डर बनाते हैं, उल्टे पे उल्टा, सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा। तो ये हमारी 17वीं सिलाई है, 18वीं, 19, 20 और 21 21 सिलाइयों तक हम ऐसे ही बनाते जाएंगे एक बॉर्डर। ये देखिए राजे, हमने 5 सिलाइयाँ सीधी और उल्टी बना ली हैं, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, 1, 2, 3, 4 और 5 5 सिलाइयाँ नज़र आ रही हैं। रॉन्ग साइड से भी ऐसा ही बना है, ये देखिए बॉर्डर है। अब हम आगे हैं 22 सिलाई पे। तो 22 सिलाई पे हम क्या करेंगे, 16 फंदे हम बिल्कुल सीधे बुनेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 16 फंदे हमने सीधे बुने हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 टोटल हमारे 50 फंदे हैं। 16 फंदे हम इधर छोड़ेंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 बाकी जो फंदे हैं उनका हम दो का एक करेंगे 9 बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हम हमारे ये 50 फंदे हैं, 50 फंदों में से 16 फंदे हमने बुन लिए हैं। अब हम दो का एक करेंगे, हाँ हम फंदे को सीधा ही दो का एक करेंगे, उल्टे फंदे दो का एक नहीं करेंगे, क्या करेंगे, सीधे फंदे। तो हमने सीधे फंदे बुने हैं, सीधी सिलाई है, राइट साइड है,
16 फंदे सीधे बुने हैं तो सीधे ही 2 का 1, फिर 2 का 1 दो बार, 2 का 1 3 बार, 2 का 1 4 बार, 2 का 1 5 बार, 2 का 1 6 बार, 2 का 1 7 बार, 2 का 1 8 बार और 2 का 1 9 बार। तो हमने 2 का 1 2 का 1 फंदा कर लिया है 9 बार। अब हम बाकी के फंदे जो 16 हैं वो सीधे ही बुनेंगे, कोई फंदा कम नहीं करेंगे, पूरे फंदे हम सीधे ही एंड तक बुनेंगे। हाँ फ्रेंड, एक बात का और ध्यान रखना है, जब हम 2 का 1 करेंगे तो जैसे हम 2 का 1 करेंगे तो उल्टे पीछे वाला उल्टा फंदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सीधे सीधे 2 का 1 करेंगे, एक फंदा बुन लेंगे, जो सीधा फंदा है वो पीछे होना चाहिए उल्टा आके, तो फिर 2 का 1 करेंगे तो ग्रेस आएगी ऐसे, फिर 2 का 1 9 बार आपने ऐसे करना है, फिर 2 का 1 क्योंकि पीछे सीधा फंदा है और 2 का 1 फिर पीछे सीधा फंदा है, क्योंकि उल्टे फंदे से करेंगे तो ग्रेस नहीं आती, जो सीधी फली है इसको और आगे वाले उल्टे फंदे को लेंगे, तो 2 का 1 फिर 2 का 1 ऐसे करेंगे। ये अपने आप ही ध्यान रखने योग बात है, जब हम फिनिशिंग लाते हैं तो हम 9 बार 2 का 1 2 का 1 करेंगे, हमने किया तो था लेकिन वो ठीक नहीं लगा हमें, 2 4 6 7 बार किया है 2 का 1, ये 8 बार है, फिर ये देखिए ये सीधा फंदा है, ये 9 बार है, तो 9 बार हमने 2 का 1 2 का 1 किया है, 2 4 6 8 9, बाकी फंदे जो 16 बचे हैं हमारे 2 4 6 8 10 12 14 16 18, हाँ 2 एक बार और करना है, वो हुआ नहीं था, 8 बार हुआ था, तो 9 बार 2 का 1 2 का 1 हो गया। अब 16 फंदे बाकी बचे हैं, 2 4 6 8 10 12 14 और 16, इनको हम प्लेन सिंपल बुन लेंगे, ये जो हमने 2 का 1 2 का 1 किया है उसको हम दोबारा से बता रहे हैं, ये राइट साइड से ही करना है। अब हम रॉन्ग साइड में आएंगे, पूरा बुन लिया है हमने, ये देखिए अब हम रॉन्ग साइड में हैं, रॉन्ग साइड पे हमने सीधी सिलाई बनानी है, रॉन्ग साइड से सीधी सिलाई अब हमने बनानी है पूरी, फंदे कम नहीं करने हैं कोई भी, बस ऐसे ही सीधी सिलाई पूरी की पूरी बुननी है। ये देखिए फ्रेंड, हमने 23 सिलाइयाँ बुनी है, अब हम 24 सिलाई बुनेंगे, तो हम सीधी सीधी 5 सिलाइयाँ और बुनेंगे सीधी सीधी, जैसे हमने इस पे बनाई है, 1 2 3 लाइनें, एक लाइन बन गई है, 4 सिलाइयाँ हम और बनाएंगे सीधी सीधी, तो हमारी 3 लाइनें बन जाएगी, तो हम 3 लाइनें अब बनाएंगे सीधी सीधी। ये देखिए फ्रेंड, हमने 2 4 6 लाइनें और बना ली हैं, तो हमारी 27 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब हमारी 28 सिलाई है, 3 लाइनें हैं और 28 सिलाई बुनेंगे, तो हम क्या करेंगे, सीधे 4 फंदे बुनेंगे, 14 फंदे बुनेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 और 14, 14 फंदे हमने बुन लिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। अब हम जैसे हमने ये बूट बनाया है, जब बच्चा इसको पहनेगा तो ये जहाँ पे बटन आएगा, ऐसे बटन लगाएंगे ना जहाँ पे, ऐसे जब हम बटन लगाएंगे तो ये वाला पीस हम बुना है तो बटन इधर आएगा बाहर की साइड, बक्कल आता है जैसे बाहर की साइड, ऐसे हम दूसरा पीस बुन रहे हैं, ये पीस ऐसे आएगा, इसका बक्कल अब इधर बनेगा, एक का बक्कल इधर बनेगा, एक का बक्कल जो हमने बनाया था फ्रंट में, 14 फंदे बुन के ही हमने बना दिया था, लेकिन इसका हम पूरा बुनेंगे पीस, तो हम जे वाला भाग बनाएंगे, इसका जे वाला 2, 4 और 5, 4 सिलाइयाँ और बनाएंगे इसके ऊपर, ये देखिए 1, 2, 3 बुन ली है, 4 और बुनेंगे, तो हम आपको बुन के दिखाते हैं। तो ये 14 फंदे हमने बुन लिए हैं, इन्हीं 14 को हम दोबारा से इस साइड भी बुनेंगे, ऐसे फंदा उतार, अब जाली वाला चेन वाला फंदा बनाएंगे तो ऐसे उतार के बनाएंगे, तो हम 2 लाइनें इसकी भी बुन लेंगे, मतलब 4 सिलाइयाँ और बुनेंगे। ऐसे बुन ली, फिर हम दूसरी तरफ आएंगे और फिर सीधी सिलाई बनाएंगे। ये देखिए जैसे हमने ये पैर बनाया है बेबी का, तो बक्कल इधर आएगा, ऐसे हम दिखाते हैं, तो हमने ये चीज़ बक्कल वाली इधर बुनी है, अब ये पैर जो दूसरा है इसका बक्कल हम इधर बुनेंगे जहाँ पे हम बटन लगाएंगे, बक्कल इधर बुनेंगे जो जिसमें बटन लगाना है वो ये वाला पीस है, तो हम इस पीस को और इस पीस को बराबर बुन लेंगे। तो हमने इसकी भी 5 लाइनें बनाई थी, 10 लाइनें, 1, 2, 3, 4, 5, तो तीन लाइनें बनाने के बाद, शेप के बाद हमने 4 सिलाइयाँ और बनाई है, 2 लाइनें, तो हमारी 2 लाइनें बन गई हैं। अब हम इसको बाइंड करेंगे, तो बाइंड भी ऐसे ही करना है, एक फंदा सीधा बुनना है, फिर दूसरा सीधा बुनना है और इसको ऊपर से निकाल देना है, तो हम इन फंदों को ऐसे बाइंड कर देंगे। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, अगर आप साथ साथ बनाएंगे हमारे उतनी ही सिलाइयाँ उतने ही फंदे, तो बहुत जल्दी बन जाएगा। हमारी वीडियो देखते जाइए और साथ साथ बनाते जाइए, तो हम इनको इसको बंद करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमने बंद कर दिया है, इसको बाइंड कर दिया है, अब हम इसमें से इसको निकाल देंगे, तो हमारा जे वाला पोर्शन बनके रेडी हो गया है, सुई से हम इसको अंदर कर देंगे। जैसे जे वाला पोर्शन बना है, जे है, जे पैर है ना, जे भी ऐसे ही बनेगा, ये देखिए जे नीचे आएगा, ऐसे पैर आएगा, जब ऐसे पैर बनेगा, इस साइड ए है, इस साइड ए है, बाहर की साइड है। अब बीच वाले हम जो फंदे हैं, जैसे ही हम इसको बाइंड करेंगे, आगे हम सिलाई लगाएंगे और वूलन भी लगाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ हम सीधा फंदा बुनेंगे इससे और इसको बाइंड कर देंगे जहाँ पे, एक बुना, फिर हम दूसरा बुनेंगे और बाइंड करेंगे ऐसे, तो हम बीच वाले 14 फंदे छोड़कर बंद करेंगे, इसको हम बाद में सुई से पक्का कर देंगे, तो हम ऐसे बुनते हुए बाइंड करेंगे ऐसे, और हम 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14 फंदे रखेंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14 जितने फंदे थे हमने कम कर दिए ऐसे।
ऐसे बुनते हुए कम करेंगे, थोड़ा लूज ही रखेंगे। दो चार छः आठ दस बारह चौदह इतने रखेंगे, पांच फंदे और कम करेंगे। दो चार छः आठ दस बारह और चौदह एक फंदा और कम करें जी। जे हमने बंद कर दिया पीस। जे हमारी पांच सिलाइयाँ थी, पांच लाइनें थी, दस सिलाइयाँ। इसमें भी हम दस सिलाइयाँ ही बनाएंगे, पांच लाइनें, दो चार पांच। लेकिन हम इसको बनाना है साथ में, इसको। तो हम कैसे बनाएंगे? हम दस फंदे इनक्रीज़ करेंगे, एक चौदह फंदे हैं, पंद्रह सोलह सतारह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस। दस फंदे हमने बढ़ा लिए हैं। कितने फंदे बढ़ाए हैं? दस। दो चार छः आठ और दस। इन दस फंदों को हम बुनेंगे, तो हम सीधा सीधा बुनेंगे। टोटल 24 फंदे हम बुनेंगे। बढ़ाए हुए फंदे हैं, क्योंकि बकल बनेगा तो हम ये सारे फंदे बुन लेंगे। अब हम रॉन्ग साइड में आ गए हैं, जो सीधी लाइन सिलाई थी, अब हम उल्टी साइड में हैं, रॉन्ग साइड में। रॉन्ग साइड पे भी हम सीधे सीधे बुनेंगे ऐसे। ऐसे सीधे बुनेंगे। जब हमारे दो फंदे रह जाएंगे, ये देखिए इतने फंदे हमने बोले, जब दो फंदे रह जाएंगे तो हम थ्रेड को आगे करके जाली डालेंगे, बटन होल बनाएंगे ऐसे। जहाँ पे एक फंदा हमारा है उसको भी बुन लेंगे। तो जहाँ पे हमारा बटन होल बन गया, हम फिर सीधा बुनेंगे, इसको भी बुनेंगे और बटन होल को भी बुन लेंगे। ये हमारा बटन होल है। बाकी फंदे हम पूरी सिलाई सीधी ही बना लेंगे, पूरी सीधी बनाएंगे। ये देखिए रॉन्ग साइड से भी हमने सीधी सिलाई बना ली है। अब हम राइट साइड में हैं और हमारी दो चार पांच लाइनें हो गई हैं, दस सिलाइयाँ। अब हम इसको बाइंड करेंगे। बाइंड करने के लिए वही करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, दूसरा भी सीधा बुनेंगे, इसको ऊपर से टपाएंगे, फिर सीधा बुनेंगे और ऐसे करते हुए टोटल फंदे हम बाइंड कर देंगे। ये देखिए ऐसे हम बाइंड करेंगे। ये होल है हमारा, तो हम टोटल फंदे
बंद करेंगे बुनते हुए। जे हमने बंद कर दिया है, जितना हमें सिलाई के लिए चाहिए उतना थ्रेड रख कर हम काट देंगे और इसमें से निकाल देंगे, इसको पक्का करेंगे। जे देखिए, जे हमने बना लिया है। जे देखिए, जे इधर का पैर है, हम सिलाई करके आपको दिखाते हैं। जे इधर का पैर है और जे इधर का, तो दोनों पैर ऐसे ही आपने बनाने हैं। जे हम सीधा करके दिखाते हैं आपको, एक पैर जे है, दूसरा पैर, एक पैर जे है, दूसरा ये है। तो ऐसे आपने रख कर देखना है, ये बक्कल ऐसे आना चाहिए दोनों तरफ, ये साइड का है। जब हम इसको फिर ऐसे कवर करते हैं और फिर इसको करते हैं तो हमारे बक्कल ऐसे दिखते हैं, ये देखिए, जिससे हमने बटन लगाकर बाइंड करना है ऐसे। बस जब भी आप बनाएंगे इस चीज़ का ध्यान आपने रखना है। तो हम अभी इसकी सिलाई करके दिखाते हैं। तो पहले हमने जे वाली चीज़ जो बनी है बूटी, इसकी नीचे वाले पीस को सिलना है आपस में ऐसे, बस एक एक पीस उठाते जाइए और इसकी सिलाई करते जाइए। इसी को ऊपर वाले को भी अगर उठाएंगे ना आप, ये जो हमारी चेन है इसी से सिलाई हो जाएगी, इसको इसको ऐसे। जो हम फंदे डाले हैं वही सिलते जाइए ऐसे। इसको इसको ऐसे आपने नीचे के पैर को सिलना है। ये देखिए फ्रेंड, हमने सिलाई कर दी है। अब हम नीचे आ जाएंगे और इसको अच्छे से बाइंड कर देंगे, इन्हीं में से निकालते हुए। एक एक पीस में से ऐसे हम इधर आ गए हैं। अब हम इन पोर्शन को सिलेंगे, लेकिन सीधी साइड से ही फिनिशिंग देते हुए सिलाई कर लेंगे। अब हम जे वाले पीस पकड़ कर इसकी ऐसे इधर से उल्टा पकड़ा, इधर से पकड़ा उल्टे पीस को, फिर इधर वाला उल्टा पीस। जे देखिए फ्रेंड, हमने इसकी सिलाई कर दी है। जे नीचे से है पोर्शन, जे ऊपर से है जहाँ हम बटन लगाएंगे। जे देखिए फ्रेंड, जहाँ पर बटन लगा देंगे और इसको बंद कर देंगे। जैसे जे है इस साइड का, तो जहाँ पर हम बटन लगाएंगे ऐसे। ये देखिए बनकर कितने सुंदर लगे हैं। अगर आपको अच्छे लगे हों, हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।